हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो इंडियन टू एंड सरफिरा को दोस्तों हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर मैं इसमें दोनों को अलग अलग करता तो मेरी अगली वीडियो 12 बजे तक आती, तो मैंने सोचा चलो आज इसको एक साथ कर लेते हैं, बाकी फिर कल से अलग अलग करेंगे। बात करते हैं देखो दोनों मूवीज़ की। दोनों ही मूवीज़ एक तरीके से देखा जाए टक्कर की हो सकती हैं, क्योंकि पब्लिक जिसको पसंद कर ले, पब्लिक इज़ द किंग, पब्लिक जिसको चाहे उठा दे और किसको चाहे बिठा दे। जैसे कि आप कल की का कंटेंट पब्लिक को पसंद आ रहा है, इसलिए वो चल रही है। और ऐसे ऐसे दिन चल रही है कि जितनी डे वन की कुछ और दूसरी मूवीज़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आती हैं, वो भाई वर्किंग डे में इतना कमा लेती है, मतलब डे वन की बता रहा हूँ। तो खैर, ऊपर वाला जिसको दे रहा है उसको तो दे ही रहा है, लेकिन हम बात करते हैं इंडियन टू एंड सरफिरा की। देखो भाई, सरफिरा को बना रही है सुधा कोंगरा, जो कि साउथ की डायरेक्टर है। ले देखे कहीं ना कहीं साउथ में भी थोड़ा बहुत इसको रेस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। अब इंडियन टू ऑलरेडी बिलोंग करती है अपनी फर्स्ट मूवी के, जिसमें बहुत सारे जो सन 96 में आई थी बॉलीवुड के कलाकार थे, यानी कि मनीषा कोइराला, उर्मिला मातोंडकर, ये सब मौजूद थे। और ये कहीं ना कहीं कनेक्ट है एक हिंदी ऑडियंस से, मैंने भी देखी थी। और मैंने जब टीजर देखा या जब ये अनाउंस हुई तो मैंने भी यही सोचा, मैंने यार देखेंगे तो जैसा मैं हूँ ऐसे आप भी होंगे, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो देखना चाहते हैं। मतलब टक्कर बराबर की है, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो। साउथ में हो सकता है सरफिरा को थोड़ा सा यहाँ पे दूर रहे पब्लिक, वो आप समझते हैं क्यों है, लेकिन चलो हिंदी में नॉर्थ में यहाँ पे दोनों को टक्कर मिल सकती है। अब यहाँ पे इधर कमल हसन है और इधर हैं कौन भाई, हमारे अक्षय कुमार पाजी। अब ओवरसीज में इंडियन टू क्या कमाल धमाल कर रही है भाई, ये देखो भाई, यहाँ पे इसने अभी तक इंडियन टू यूएसए प्रीमियर ने 301,502 डॉलर की यूएसए प्रीमियर की एडवांस बुकिंग कर ली है, जिसमें से इसके शोज देखो 946 हैं, 340 लोकेशन से टोटल टिकट हैं 13,868, और जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 लाख डॉलर तक इसका प्रीमियर हो सकता है। यानी कि अभी 2 दिन बचे हैं इसके प्रीमियर को होने में, तो यहाँ पे मेकर्स एंड फैंस प्लान बना रहे हैं कि भाई 6 लाख डॉलर तो हो ही सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 लाख डॉलर में से किस किस लैंग्वेज में से कितना कितना एडवांस बुकिंग हुआ है। तमिल और तेलुगु में ज़्यादातर हुई है, तमिल से ये जो मूवी है ये बिलोंग करती है, क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल है। और 3,50,000 टोटल यहाँ पे जो प्रीमियर हुआ टोटल सारा। अब बात करें 2,35,000 तो तमिल से है, 65,000 है तेलुगु से, मतलब टोटल जो अभी तक प्रीमियर हो रहे हैं ना, टोटल मतलब ओवरसीज़ में वो हो रहा है 3,50,000 का, जिसमें से तमिल के हैं 2,35,000 डॉलर एंड तेलुगु के हैं 65,000 डॉलर। बाकी अनुमान लगाया जो तो यही जा रहा है कि भाई 6 लाख के आसपास हो जाए, हम तो भाई यही दुआ करेंगे कि हो जाए। अब यहाँ पे हिंदी से कितना, यानी कि नॉर्थ इंडिया यहाँ से अपना इंडिया से कितना हुआ है कमल हसन साहब का, मतलब इंडियन टू का टोटल यहाँ पे 72,42,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अभी तक इसको शोज मिले हैं 1,354, टोटल 42,954 टिकट्स इसके सोल्ड आउट हो चुके हैं। चलो ये तो ट्रेड बता रहा है, ट्रेड के अकॉर्डिंग मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इंडिया की एडवांस बुकिंग में, लेकिन अगर मेकर्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स के अकॉर्डिंग 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है इंडियन टू की। बाकी यह है कि मेकर्स तो इस चीज़ में कभी अपनी नंबर नहीं देते हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं देते हैं, लेकिन चलो खैर जो भी है। अब आती है सरफिरा की बारी। सरफिरा ने देखो यहाँ पे पब्लिक को काफ़ी जो है अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि पब्लिक भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ पब्लिक ऐसी है जो कि सपोर्ट नहीं करेगी, जो कि ये बोलती है कि हम ऑलरेडी सूर्या की मूवी देख चुके हैं तो हम ये मूवी क्यों देखें। हालांकि बात सच है, और ये इसी बात का डर मुझे लग रहा था, इसी बात का, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे कि आप भी होंगे कि जब आपने सूर्या की मूवी देख ली है तो आप क्यों जाएंगे। सीधी सी बात है, या तो मूवी के अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो कि अलग हैं, क्लाइमैक्स अलग है, और अगर आपने सूर्या की मूवी देखी हुई है तो मैं आप लोगों से एक बात यह बोलना चाहता हूँ कि भाई ये मूवी में और उस मूवी में फ़र्क है। मतलब ये नहीं है कि आप अगर सूर्या की मूवी देख चुके हैं तो आप लोग ये सोच के नहीं जा रहे हैं कि यार हमने तो पूरी मूवी देख रखी है, इस मूवी में क्या अलग होगा। भाई अलग होगा, आपको अलग दिखेगा। आपका दिल करे तो आप टिकट खरीदो और जाके आप देख के आओ, आपकी मर्ज़ी है, बाकी ज़बरदस्ती तो खैर किसी के साथ है ही नहीं। अब यहाँ पर सरफिरा की जो एडवांस बुकिंग दोस्तों अभी तक हुई है
वो देखो यहाँ पे अभी तक 2,30,000 की हुई है, टोटल 1,587 इसके अभी टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, 473 इसको अभी शोज़ मिले हैं, शोज़ कम मिले हैं जिसके बिहाफ पे टिकट कम हुए हैं, जिसके बिहाफ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि एडवांस बुकिंग अभी उसकी कम हुई है। देखा जाए कि भाई कल हो सकता है कि मे बी इसकी एडवांस बुकिंग थोड़ी सी उठे, क्योंकि देखो इधर जो इंडियन टू है उसकी तो एडवांस बुकिंग सुबह तक मुझे पता है कि 1 करोड़ आराम से हो जाने वाली है, और देखो होनी भी चाहिए क्योंकि देखो इंडियन टू एक बड़ा यहाँ पे बड़े स्केल पे बनी हुई है और काफ़ी बजट भी है। इधर कमल हसन साहब हैं और इधर फिर अक्षय कुमार हैं जो कि एक रीमेक लेके आ रहे हैं, पब्लिक यहाँ पे कुछ 50% आएगी, कुछ 50% बुराई कर रही है, कुछ अच्छाई कर रही है। अब वो एक अलग बात है कि पब्लिक को एक तरीके से अक्षय कुमार की छवि में अगर ये मूवी भाग गई तो मैं कहता हूँ कि ये धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम, ये नहीं कि फर्स्ट डे में 100-200 करोड़ कमा लेगी, नहीं ऐसा नहीं है, धीरे 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 करके ये मूवी अपना एक मुकाम पा सकती है। बस ये है कि पब्लिक को पसंद आ जाए, बस और कुछ भी नहीं है। इमोशंस हैं, हाँ आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा, और जिसने नहीं देखी है सोलर आई पोर्टर वो देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसने नहीं देखी है या देखी है वो तो देखो, जिसने देखी है वो भी देख ले, जिसने नहीं देखी है वो भी देख ले, उसमें कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात है भी नहीं। बाकी यह है कि कल को देखते हैं कल क्या होता है, अभी तक के लिए इतना ही। आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस मूवी को सपोर्ट करते हैं, सरफिराको या इंडियन टू को। अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।